ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं कि S21 FE और iPhone 13 के प्राइस डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये देखना ज़रूरी था कि साइड बाय साइड कैमरा बैटल में S21 FE कितना गैप क्लोज कर जाता है iPhone 13 के साथ। तो अगर शुरू से शुरू करो तो वाइड और मेन दोनों ही सेंसर दोनों फ़ोन के 12-12 मेगापिक्सल के है, पर S21 FE के पास 8 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस की एडवांटेज आ जाती है, और उसकी बात हम बाद में करेंगे। और जो रिजल्ट्स आए वो बीच में कहीं पर रहे। मैक्सिमम जो क्लिक्स हमने किए वो जंगल के अंदर लिए, जहाँ पर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अल्ट्रा वाइड और मेन दोनों में ही डायनेमिक रेंज, जैसे कि आसमान का रंग हो गया और पेड़ों की जो टहनियाँ थी उसे बचाने में फेल हो गया हमारे पास iPhone 13, लेकिन इसी जगह पर S21 FE ने आसमान का कलर भी बचा लिया और ब्रांचेस टहनियों को सही तरीके से मैनेज कर दिया। अगर तो नेचुरल कलर जो हमें उस समय दिख रहा था उसमें ज़्यादा नज़दीक S21 FE है, iPhone 13 के जो फोटोज थे वो थोड़े कॉन्ट्रास्ट साइड पर ज़्यादा थे। फोटोज़ क्लिक करने के बाद जब हमने जूम किया फिर ज़्यादा वैसे नहीं 19-20 का अंतर दोनों के फोटोज़ में था, पर जो डिटेल्स थी आईफोन ने ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादातर फोटोज़ में रखी, खासकर की ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर। लेकिन चीज़ें उल्टी पड़ी जब नॉर्मल क्लिक्स में कई जगह S21 FE के फोटोज़ ज़्यादा क्लियर थे, जैसे कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा है, लेकिन आईफोन में थोड़ा मुश्किल है। आईफोन में एक चीज़ नोटिस हुई कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा था हर बार, या सरल शब्दों में बताऊँ तो लाइट वाला जो एरिया था वो थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाता और जो डार्कर एरिया वो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। कई जगह पर यह चीज़ अच्छी थी फोटोज़ के हिसाब से, और कई जगह पर यह चीज़ फोटोज़ के हिसाब से ख़राब भी कर रही थी। ये चीज़ तो है कि अगर थोड़ी सिचुएशन मुश्किल हो जाए तो आईफोन की थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंपेयर में। अब इन्हीं आगे फोटोज़ में साइड बाई साइड जैसे ज़्यादा ही डार्क कर दिया आईफोन ने, पर S21 FE ठीक से मैनेज कर गया इस सिचुएशन को। अगर एक नज़र में ही देखें तो फोटोज़ दोनों के काफ़ी अच्छे थे। S21 FE कूल टोन पर है, आईफोन वार्म पर, और रिजल्ट्स मेरे हिसाब से प्रेफरेंस अलग हो सकती है। बस हाँ ये है कि S21 FE थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छे फोटोज निकाल ही देता है। अब जंगल में हमने जाके टेस्ट इसलिए किया क्योंकि जो लाइट और शेडोज होती है वो अनइवन रहती है और सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाती है ज्यादातर कैमरे को हर चीज बैलेंस करने में। तो एक तरीके से देखें तो पर्सन टू पर्सन वाली चीज है। अगर रियलिटी में दोनों फोटोज को आप देखते तो दोनों अच्छी है, काफी अच्छी है देखने में, पर मुश्किल सिचुएशन में S21 FE आगे है थोड़ा सा। अब अगर पोर्ट्रेट में देखें तो 12 मेगापिक्सल के कैमरे से पोर्ट्रेट फोटोज कुछ ऐसी रही आईफोन की, और जो टेलीफोटो लेंस है वो तो खैर मिसिंग है आईफोन में। तो वैसे 12 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट में दोनों काफी नेक टू नेक बैटल इनकी चली। ज्यादा न्यूट्रल कलर्स S21 FE के है, लेकिन ज्यादा शार्प और डिटेल्स आईफोन ज्यादातर केस में रख रहा है। स्किन टोन में आईफोन ज्यादा सही तरीके से कैप्चर कर रहा था। पोर्ट्रेट इफेक्ट देखे तो एक नजर में तो कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था, मतलब कि दोनों में जितने फोटोज मैंने लिए किसी किसी में आईफोन ऊपर निकल जा रहा था और किसी में सैमसंग अच्छा कर रहा था, लेकिन रिजल्ट्स दोनों के ही अच्छे थे। अब S21 FE के पास अपना एक छुपा अस्त्र है, वो है इसका टेलीफोटो लेंस, जो कि आईफोन में मिसिंग हो जाता है और जो कि काफी एडवांटेज दे जाता है S21 FE को। फ्रंट में सैमसंग 32 मेगापिक्सल है, आईफोन 12 मेगापिक्सल है, सैमसंग कोल टोन, आईफोन फिर से वार्म, और इसमें भी रिजल्ट्स ये थे कि आईफोन डिटेल्स ज्यादा सही से पकड़ रहा था ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर, पर वाइड एंगल व्यू में ज्यादा एरिया सैमसंग कैप्चर कर रहा था, और पोर्ट्रेट्स में जहां पर कि 3 लोगों को आईफोन में मुश्किल हो रही थी वहीं सैमसंग अच्छे से 3 लोगों को कैप्चर कर रहा था ज्यादा डिस्टेंस होने पर भी। अब इसके बाद जूम और टेलीफोटो लेंस में आए तो ये बात दिखती है कि S21 FE इसमें क्लियर विनर हो जाता है, क्योंकि जो 30x जूम है सैमसंग में वो काफ़ी काम की चीज़ है और आईफोन में खैर ये है ही नहीं, और टेलीफोटो लेंस की कमी भी है। अब ये कुछ पोर्ट्रेट फोटोज है साइड बाय साइड, एक टेलीफोटो लेंस से खींचा हुआ और दूसरा आईफोन के मेन सेंसर से खींचा हुआ, और यही एक एक्स्ट्रा एडवांटेज S21 FE की खास है। और अगर तो आपको टेलीफोटो से फोटोज लेने की आदत पड़ गई तो दूसरे फोन में इसके बिना स्विच करना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब वीडियोज में 4K 60fps पर कैप्चर चीजें हमने की, बहुत अंदर जाकर इसमें मैं नहीं बताऊंगा, पर क्लियर विनर यहाँ पर आईफोन आ जाता है। वीडियोज ज्यादा क्लियर है, डिटेल्स तगड़ी है, ना के बराबर जिटरिंग है आईफोन में, और स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। मतलब कि कंपेयर किसी भी जगह में करूं तो सीधा पता चल जाता है कि आईफोन यहां आगे निकल गया। फोटोज की तरफ बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है कि किसमें कहां पर कमी है, पर अब यूट्यूब में मुझे नहीं पता कि कितना फर्क आपको नजर आ रहा है, लेकिन विनर वीडियोज में यहां पर आईफोन है।
हाँ एक चीज़ है कि सैमसंग नेचुरल कलर को ज़्यादा नज़दीक से पकड़ता है, लेकिन जिटरिंग भी है वीडियोस में, कहीं कहीं और चीज़ों में डिटेल्स की कमी रह जाती है इसके। ऐसा नहीं कि S21 FE की वीडियो क्वालिटी बुरी है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है, लेकिन आईफोन से नीचे ही है। वीडियो में सिंपली मैं बोलूँगा कि आईफोन। अब ये फ्रंट सैम्पल वीडियोज़ है और ये कुछ कुछ ऐसी थी, तो इसके आप खुद ही जज बने। एक चीज़ जो मैंने देखी कि चीज़ें मुश्किल हो जाए तब आईफोन स्ट्रगल कर जाता है फोटोज़ के मामले में। कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहता है फोटोज़ में, जो कि कई बार फोटोज़ बिगाड़ भी देता है। तो ऐसा है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है फोटोज़ लेने में ऐसे टाइम पर आपको आईफोन के साथ। तो फोटोज़ में इसके फेवर का सिचुएशन अगर इसको दी जाए तब तो क्लिक्स आपको पता है कि अच्छे ही निकालेगा। फोटोज़ के मामले में दोनों एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दे रहे थे और फोटोज़ में जो चीज़ें थी काफ़ी क्लोज है। मुश्किल हालात में S21 FE आगे निकल जाता है। अच्छे हुए तो दोनों में ही अच्छे तो आएंगे ही आएंगे, पर पर्सन टू पर्सन टेस्ट सबका अलग हो सकता है। किसी को आईफोन आ रहा था पसंद जब मैंने ये फोटो सैंपल दिखाए, किसी को फिर S21 FE के। नाइट फोटो सैंपल्स को मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक आईफोन 13 मेरे पास था और ये मुझे वापस करना पड़ा था शाम तक। तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये दोनों आते हैं उसे पूरे तरीके से जस्टिफाई दोनों ही वैसे कर जाते हैं अगर हम कैमरे के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मिला दे तो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।